अकड़ से बात तो कैसे निकला था तुमने अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ शहर का नाम है मैं बनिए की औलाद ना हूँ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित दीपक हत्याकांड में परिजनों को ढांढस देने पहुँचे योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक इस बार विवादों के घेरे में आ गए हैं। दीपक हत्याकांड के बाद परिजनों के धरने में शामिल होने पहुंचे दिनेश खटीक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर जिले का वैश्य समाज उनकी आलोचना कर रहा है। परसों मैंने इनसे कहा केस फर्जी खुला है, परसों बात करी, ये नहीं है बिल्कुल भी, 7 आदमियों ने मारा इसको कल सुबह, और मैंने कप्तान को कह दिया तुमने फर्जी खोला है, और मैं खुलेआम कह रहा मीडिया के सामने सुबह खुला है या परसों का खुला है। दरअसल दीपक हत्याकांड के खुलासे को लेकर दिनेश खटीक हाल ही में मेरठ के एसएसपी पर कई सवाल खड़े कर रहे थे। ये सवाल तब खड़े किए गए जब दिनेश खटीक दीपक हत्याकांड के बाद उनके परिवार के साथ धरने पर बैठे थे। एसएसपी के खिलाफ मंत्री के सवाल उठाने पर कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की तो मंत्री ने जवाब दिया, अकड़ से बात न कर पहलवान, मैं एमएलए बन गया हूँ लेकिन गांव का ही हूँ, शहर का नहीं हूँ और ना बनिए की औलाद हूँ। अकड़ से बात तो कैसी निकला था तुमने? अकड़ से बात अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया पर ऐसा ना हूँ जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। मंत्री दिनेश खटीक वही शख्स हैं जिनके इस्तीफे का मामला बीते दिनों अमित शाह के दरबार तक उठा था। वही दिनेश खटीक जो कहते थे कि उन्हें सरकार काम नहीं देती, ना उन्हें बैठकों में बुलाया जाता है, लेकिन दिनेश खटीक इस बार उसी जाति के निशाने पर हैं जिसे बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। जिस बीजेपी के लिए ये बात कही जाती है कि वो बनियों की पार्टी है, अब वो उसी वैश्य समाज के निशाने पर आ गई है। कारण दिनेश खटीक का बयान है। वैश्य समाज के लोगों का कहना है कि दिनेश खटीक ने अपने बयान में बनियों का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अकड़ से बात तो कैसी निकला था तुमने? अकड़ से बात अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। लेकिन तमाम विवाद के बीच मंत्री ने फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ये मामला प्रदेश की राजनीति में हावी हो और इससे कोई नुकसान हो, बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। शायद इसीलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मंत्री अपनी कही बात को वापस ले लें और मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। परसों मैंने इनसे कहा केस फर्जी खुला है, परसों बात करी, ये नहीं है बिल्कुल भी, 7 आदमियों ने मारा इसको कल सुबह, और मैंने कप्तान को कह दिया तुमने फर्जी खोला है, और मैं खुलेआम कह रहा मीडिया के सामने सुबह खुला है या परसों का खुला है। अरे बात कर रहा था भाई, अकड़ से बात तो कैसी निकला था तुमने? अकड़ से बात अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। दस मिनट तो सुन लो, सुनी मेरा कोई नहीं आ रही, हमारी बात सुनो। अरे भैया।